हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ एक व्लॉग के साथ। तो ऐसा है कि मेरे जो महाराष्ट्र शहर है उसमें एक मेला लगा हुआ है डिज्नीलैंड, जो कि हर साल लगता है, मतलब एक साल में दो बार लग ही जाता है। तो मैं ऐसे ही चली गई थी घूमने, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी भीड़ थी। अभी वो नया नया लगा ही है, तो अभी स्टार्टिंग में उतना भीड़ नहीं जितना होना चाहिए, बट काफ़ी भीड़ थी। एंड मैंने पापा के साथ गई थी और वहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी स्टॉल लगा रखे उन लोगों ने, तरह तरह के थे। जैसे कि खास करके लड़की लोग के लिए ज़्यादा अच्छा अच्छा सामान सब था वहाँ पे, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, खाने पीने का हो गया, घूमने का हो गया, झूला हो गया। मैं तो घूमने ही गई थी, मैं तो झूला झूलने गई थी मेन, बट मैं फिर भी थोड़ा जितना मेरे से हो पाया मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं गेम ज़रूर खेलती हूँ, पर इस बार लक साथ नहीं दिया, क्योंकि इस बार हम लोगों ने कुछ जीता ही नहीं है। तो हमेशा हर साल हम लोग जब भी जाते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ जीत के ज़रूर आते हैं गाइस, बट इस बार किसी भी रिंग में हम लोग का एक भी रिंग नहीं गया किसी भी नंबर पर, तो कुछ नहीं हुआ। मैं सोचा था छोटा सा रिकॉर्डिंग कर लूँ इसका भी, तो मैंने वो भी कर लिया आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक भी रिंग नहीं गया, एक में भी नहीं गया, नंबर पर नहीं गया रिंग। तो ये काफ़ी थोड़ा एम्बेरेसिंग था, बट कोई नहीं, कभी कभी होता है। एंड देन फिर मैं आगे बढ़ी तो काफ़ी गेम के भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए थे, जैसे बलून को ऑफ हो सकते हो गन से, वो हो गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए थे, जो भी नया नया न्यू ट्रेंडिंग आइटम्स आया वो सब लगे हुए थे। फिर खाने का भी कुछ छोटा मोटा आइटम सब मिल रहा था, बच्चों के लिए झूला था, और ये आप तो जब आसमानी झूला आप जानते ही होगे, बचपन से अपना देखते आ रहे हैं, झूलते आ रहे हैं, तो ये तो काफ़ी अच्छा वाइब आ रहा था, पूरा मेला का वाइब था गाइज। वैसे मेला ही था बट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कलरफुल और बहुत ही कि प्यारा लग रहा था, लाइटनिंग और वाइब बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ का। फिर हम लोग आसमानी झूला पर झूलने गए गाइज, काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ गया इस पर बहुत। इस बार तो बहुत अच्छा झुलाया उन लोगों ने, एकदम स्पीड करके, एंड इट वॉज़ वेरी वेरी अमेजिंग राइड और अमेजिंग नाइट ऑल्सो, बिकॉज हम लोग रात में गए थे तो और भी एक अच्छा वाइब आ रहा था। आप लोग जैसे देख सकते हो ये काफ़ी कलरफुल है, चारों ओर लाइट लगी हुई थी। मैंने छोटा मोटा रिकॉर्डिंग कर करके मैंने डाला है बीच में, छोटे छोटे व्लॉगिंग किया मैंने, छोटी छोटी क्लिप को मैंने ऐड कर रखा आप लोगों ने, ताकि आप लोग भी देख के इन्जॉय कर सको कि हाँ कैसा था क्या था, और ये काफ़ी अच्छा था। लेकिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशन थे। फिर हम लोगों ने दही पूरी खाया, वही गोलगप्पे में आपको पूरा अच्छे से मिक्स अभी देखते हैं सारे। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे मेन चीज़ आया है, इयर रिंग हो गया, क्लिप्स हो गए, इतने अच्छे अच्छे थे, बट काफ़ी महंगा था प्राइस। और फिर यहाँ पे तो मैं आती हूँ तो अचार जो लेके जाती हूँ, यहाँ पे काफ़ी होममेड अच्छे अच्छे अचार होते हैं, तो वो हम लोगों ने उठाया वहाँ से। फिर उन्होंने काफ़ी कैंडी वैंडी भी यहाँ से लिया, तो बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे कैंडी थे यहाँ पे। इमली का भी हम लोगों ने कैंडी लिया क्योंकि वो अच्छा होता है, और ये मार्शमेलो भी हम लोगों ने लिया, जो कि अच्छा नहीं था खाने में, फिर भी मैंने ले लिया। और ये भी यहाँ पे देख सकते हो ज्वेलरी था, जो कि मुझे पसंद नहीं आया, पर फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे होम डेकोर का भी आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे। यहाँ से मैंने एक किचन ली, आप लोग गेस करो मैंने कौन सी ली होगी, वैसे तो मैं दिखाई दूँगी आपको लास्ट में, बट देख सकते हो काफ़ी अच्छा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।